हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हूं वर्षा। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है चंद्रयान 3 विल मेक इंडिया रिच, इंडिया मेक हिस्ट्री। मतलब चंद्रयान 3 जो है वो कैसे भारत को अमीर बना देगा। मतलब अभी भी अमीर है भारत, लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा अमीर बना देगा। चंद्रयान 3 भारत को कैसे क्या ढूंढेगा वो सब कुछ टेक बर्नर, जो कि टेक के मामले में मास्टर समझे जाते हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चंद्रयान 3 फाइनली भाई मून पे लैंड कर चुका है। इंडिया का तिरंगा मून के ऐसे पार्ट पे लगा दिया गया और मस्त फहर रहा है, जहां पे दुनिया में और कोई भी नहीं पहुंच पाया। ये वाला मिशन बस इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस मिशन के अंदर क्या स्पेशल है, इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर क्या नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज लगाई थी, और कैसे इंडिया को बहुत ज्यादा अमीर बनाने वाला है। ये तीनों चीजें मैं आपको बताता हूँ और मैं भी वर्ष में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, लेट्स गो। देखो मैं बता दूं, चांद स्पेशल था ना आपका, चांद का तारा आप जो अपनी माशू का वो दिखाते हो, हाँ भाई ओहो, उसका जो दूसरा तरफ है वो काफी ज्यादा खुदरुई है, वो दिखती नहीं है क्योंकि चांद बस अपना एक चेहरा दिखाता रहता चमकता वाला, बट दूसरी तरफ जो है वो ना कोई देख पाता है ना उस तक कोई पहुंचा है, और जहां पे आप देख नहीं सकते उसके बारे में कुछ नहीं पता कि भाई क्या टेम्परेचर है, क्या हालचाल चल रहा है। वहां पे एक स्पेसक्राफ्ट लैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रिसेंट न्यूज आई थी कि भाई रशिया ने भी ट्राई करा था, रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया। इजराइल ने 2019 में ट्राई करा था, उनका भी स्पेस रोवर क्रैश हो गया। काफी सारी कंट्रीज ने मून के इक्वेटर के पास लैंडिंग कर रखी, बट उस पार क्या है वो किसी ने नहीं देखा। एक होती है इंपैक्ट लैंडिंग, आप जाओ बस वहां पे फेंक दो और वो मून पे लैंड कर जाता है, फिर वो हिल विल नहीं पाता है। जितनी फुटेज उसको आने जाने में लग गई उतनी आपको मिल जाती है, बट उसके अलावा चीजें आपको नहीं मिल पाती। बट इंडिया ने जो करा है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। साउथ पोल के ऊपर जहां पे टेम्परेचर -20 नहीं, -30 नहीं, -232 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर में मशीनें चल ही नहीं सकती भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टेम्परेचर के लिए मशीनें बनाना। और क्योंकि उस तरफ चांद की आप देख नहीं सकते तो बहुत ज्यादा खड्डे हैं, इसीलिए सारे रोवर्स क्रैश हो जाते हैं, सारे स्पेसक्राफ्ट वहां पे लैंड करने जाते हैं, इतना खुरदुरा होता है, लुढ़क पुढ़क के भड़प, पर सारा डेटा भी चला जाता है, सारा कनेक्शन भी चला जाता है। और पिछली बार भी भाई जब चंद्रयान 2 भेजा गया था पूरी प्रिपरेशन के साथ भेजा गया था, बट सॉफ्टवेयर वहां पे काम करना बंद कर गया, जो ट्रांसमीटर्स थे उनमें थोड़ी दिक्कत आ गई, और जो लैंडिंग थी उसमें भी भाई समझ नहीं आया कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हो गया था, बट जो एक्चुअल रोवर था उसके लैंड करने में एक मतलब पार्शियल फेलियर हो गया था और वो क्रैश कर गया था। बट इस बार इसरो ने भाई भाई तबाही मचा दिए भाई, ना जस्ट लैंड करा है, लैंड करने के बाद वो घूम रहा है भाई, भाई चांद पे 4-5 एरिया मार्किंग हो जाएगी भाई, भाई अब तो तिरंगा हर तरफ, ओहो मजा आ जाएगा। आपको लग रहा है ठीक है भाई स्पेसक्राफ्ट लैंड कर दिया, पर इसमें इंडिया अमीर कैसे बनेगा, और इंडिया के पास मतलब कितना पैसा लग गया, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया होगा, इसमें बड़ी दिक्कत है। मैं सारी चीजें क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो इस स्पेसक्राफ्ट में जो चीजें लगा रखी हैं वो टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। पिछली बार से 40 गुना ज्यादा एरिया बढ़ा दिया गया था स्पेसक्राफ्ट में लैंडिंग का, जिससे एक बार में भाई परफेक्ट लैंडिंग हो गई थी। और इस बार अगर लैंड नहीं होता है तो एक महीना और वेट करना पड़ता, जिसमें घूमता रहता वो भाई सर्कल करता रहता, फिर उसके बाद लैंडिंग की कोई भाई तारीख निकलती, क्योंकि आपको लग रहा है कि बस ऐसे ड्रॉप कर दो प्लेन की तरह, ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल है, बहुत कैलकुलेशन होती है। विक्रम लैंडर पे पिछली बार से फ्यूल काफी ज्यादा बढ़ाया और सोलर पावर भी कर दिया था, ताकि सूरत से भी रोशनी लेके भाई अपना मस्त गरम गरम। सॉफ्टवेयर में भी भाई काफी नेक्स्ट लेवल अपडेट्स करे गए, जो एक्चुअल फोटोज भी निकल के आई है भाई, पहले बहुत मतलब बेसिक फोटोज आती थी, बट अब पूरी लैंडिंग एक एक स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हुई थी। चंद्रयान 2 में क्या था कि मतलब फोटोज देख के अपने भाई अपना, क्योंकि आप किसी ने देखा तो है नहीं, फोटोज देख के समझना पड़ता कैसे लैंड करा जाए, तो भाई पहले खाली फोटोज थी, अब मल्टीपल सेंसर्स लगा दिए थे कि भाई लैंडिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी, और उन सबको माप के आराम से अपनी भाई परफेक्ट लैंडिंग सिंहासन बना के उतरे। इसमें विक्रम को लैंड करने के लिए भाई मल्टीपल ऐसे लेग्स लगते हैं, टांगे पैर जबरदस्त मजबूत करे गए, 1725 केजी इसका एक्चुअल पूरा वेट है, और इसके लिए अच्छी मजबूत टांगे चाहिए। चंद्रयान 2 में कनेक्शन वीक हो गया था, एंड उसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे एक्चुअल लैंडर के साथ, एंड उसी वजह से क्रैश में भी भाई काफी बड़ा हाथ रहा होगा। बट इस बार कम्युनिकेशन एकदम टाइट, सॉफ्टवेयर भी है, लैंडर का भी ऑर्बिटर दोनों का अपग्रेड करा गया था, इसकी वजह से भाई कोई कनेक्शन नहीं टूटा, एंड हम यहाँ पे अर्थ पे देख पा रहे थे लाइव लैंडिंग। पिछली बार जो ऑर्बिटर था
क्या भाई, सेम ऑर्बिटर की मदद से मतलब उसी की हेल्प ली गई थी भाई इसकी लैंडिंग परफेक्ट करवाने में। इसमें काफी सारी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी, मैं आपको क्विक क्विक बताता हूँ। सबसे पहले इसमें तीन कॉम्पोनेंट्स है, लैंडर, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, और एक प्रोपोर्शन मॉड्यूल है। इन सबकी मदद से टेक फोर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है भाई। मून पे पानी है, कोई और ऑर्गेनिज्म है या एलियंस, सबका पर्दाफाश होने वाला, मैं देखता हूँ न्यूज। सबसे पहली चीज भाई, इस वाले रोवर से साइंस बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है, क्योंकि भाई मून पे अगर पानी है, कोई भी नए एलिमेंट्स मिलते हैं उसको हम टेस्ट करके उसका डेटा यूज करके साइंस में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इससे बैटरीज हो सकता है ऐसी बन जाए जिससे भाई 100-100 साल एक बैटरी चल रही है, या फिर भाई एंटी ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाए, भाई ऐसे रॉकेट्स हम बना पाए जो मार्स तक पहुंचे। इसमें 7 हाईटेक टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं। रामबा करके टेक्नोलॉजी जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जो सरफेस के अराउंड का प्लाज्मा है ये उसको समझ पाता है। बेसिकली जितने भी आयोन्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सरफेस में, ये उनको स्टडी करके भाई डेटा इंडिया भेज सकता है वापस। CHASTE सेकेंड वाला है, इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये मून के ऊपर जो एलिमेंट्स है उनकी ये थर्मल प्रॉपर्टीज चेक कर सकता है, उनको जला के चेक करा जा सकता है कौन सी गैसेस निकल रही है, उन गैसेस की भी टेस्टिंग करी जा सकती है। नेक्स्ट है ILSA, इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि भाई मून पे जो अर्थक्वेक आने वाले, मून क्वेक्स, उनको ये समझ जाता है। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, इसरो ने अपनी वेबसाइट पे इसको लिखा है कि एक पैसिव एक्सपेरिमेंट है मून के डायनेमिक्स को समझने के लिए, भाई मून कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या मस्त चीजें चल रही हैं, उसके बाहर क्या है। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, ये जो मून की सरफेस है उसकी जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, जो भाई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें कर पाता है, केमिकल कॉम्पोजिशन फाइंड कर सकता है। बेसिकली मून के ऊपर भाई एलियन है, ऑर्गेनिज्म है, पानी है, बर्फ है, सब कुछ। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS, ये एलिमेंटल कॉम्पोजिशन समझ लेता है, जो आसपास एलिमेंट्स हैं उसकी, मून की मिट्टी की पहचान कर लेता है। स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली 7 मैंने चीजें बता दी हैं कि फ्यूचर के लिए डिस्कवरीज कर सकता है कि और कौन से एक्सोप्लैनेट्स हैं जिन पे भाई अर्थ जैसी लाइफ हो सकती है। ये सारी चीजें कर पाना भाई एक लैंडर के अंदर बहुत बड़ी बात। अब आ जाते हैं भाई पैसे की बात। सबसे पहली बात, 615 करोड़ में एक बेसिक पिक्चर बनती है, और बस 615 करोड़ के अंदर एक ऐसी चीज कर पाना जो दुनिया में कभी नहीं करी गई है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मून के साउथ पोल पे लैंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था आज से पहले, बट आज ये पॉसिबल हो गया इसरो की वजह से, और इससे इंडिया बहुत ज्यादा अमीर बनेगा। सबसे पहली चीज, इंडिया साइंस में बहुत नेक्स्ट लेवल तरक्की कर सकता है। जितने भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, मून की स्टडीज हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी स्टडीज वो इंडिया कर सकता है। एनी जो स्टडीज हैं ये दूसरी कंट्रीज को दी भी जा सकती है बड़े बड़े पैसे के बदले, और उसके साथ साथ बहुत ही कम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो मून पे लैंडिंग कर पाती है, बस 4 है, और साउथ पोल पे तो हम बस अकेले हैं। कोई भी और अगर कंट्री है जिसके पास इतना पैसा नहीं है मून पे लैंडिंग करने का और इतनी सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का, इंडिया को पैसा देते हैं अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, और किसी भी कंट्री को अगर रिसर्च करनी होगी चांद के ऊपर तो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगा, इंडिया को पैसा देगा ताकि भाई उनके मून मिशंस भी हम पहुंचा दें, और इससे हमारी कंट्री नेक्स्ट लेवल ऊंचाइयां छूने वाली है। और एक छोटी छोटी चीज है, नासा फॉर एग्जांपल अपने एक एक मून मिशन पे 9-10 हजार करोड़ रुपए लगाता है, और हमने बस 615 करोड़ लगाया, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक काम किया गया भाई। इसके बाद भाई गगनयान बिल्ड कर रहा है इसरो, जिसमें एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स मून के ऑर्बिट तक पहुंच पाएंगे। गगनयान तो 2025 में होगा, और भाई उसके बाद कमी क्या है भाई, अब चांद हो गया, अपना मार्स, वीनस, अर्थ, सब कुछ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि हम इस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, और आई होप आप भी होंगे। चलो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। चंद्रयान उतरा नहीं था, 2.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का कंपनी के मामले में ऐलान उन्होंने किया कि भाई हम करेंगे, इंडिया में 2.5 उतर गया ना अभी, मतलब अभी उतरा ही नहीं था भाई, अभी उतरा ही नहीं, मतलब ये तब हुआ था, 2.5 बिलियन डॉलर उतर गया तो अभी और कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, पूरी दुनिया अपनी सैटेलाइट से लेकर चांद पर भी उन्होंने जाना हुआ तो भारत से जाएंगे, और क्या चाहिए भाई। एक से दो महीनों में 10 बिलियन डॉलर की आएगी इन्वेस्टमेंट, सही बात, एक से दो महीनों में भाई इसरो का ढंगा पूरी दुनिया में बच गया। अब देख लेना, जापान तो इंडिया के साथ करने ही वाला, UAE आएगा, इसराइल पूछेगा इंडिया से भाई किस तरह किया, क्या किया, हमें भी बताओ, और भी काफी कंट्रीज हैं जो इस तरह करना चाहते हैं, वो भी रिसर्च खरीदेंगे, ऑस्ट्रेलिया आएगा, भारत से रिसर्च खरीदेंगे, सब
600 करोड़ रुपए मैं कहता हूँ ये एक बिजनेस में हो जाएगा। 600 करोड़ लगाया है, 2.5 बिलियन डॉलर आया है। सही बात, मतलब अभी लैंड नहीं किया था उस टाइम उन्होंने, ऐलान किया था, दो ऐलान किया था उन्होंने, ज्यादा बिजनेस भारत का कितना आएगा खुद सोच। आपका कहना है, मेरा कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा खैर मत।